खास मौके पर लाइव आई हूँ मैं, सभी को पता है, जो पुराने पुराने लोग हैं उनको भी पता है, जो फिलहाल पढ़ने में दिमाग जो लोग लगाते हैं उनको भी पता है, भारत के पहले क्रांतिकारी कहे जाने वाले मंगल पांडे जी, आज उनकी पुण्यतिथि है। मैं उनको सर झुका करके नमन करती हूँ सभी देशवासियों की तरफ से। वो एक ऐसे युवा थे 29 वर्ष की उम्र में, सभी को पता है 29 वर्ष की उम्र में वो ऐसे युवा थे जिन्होंने खुद मतलब ये सोचा कि हाँ अगर मैं ऐसा करूँगा तो फिर एक क्रांति आएगी, हमारे देश की आज़ादी होगी, ये होगा वो होगा, इस तरीके का उन्होंने खुद सोचा। तो खुद फूक करके देखे हैं उजाले हमने, तो ये बिल्कुल लाइन उन पे सटीक बैठती है मंगल पांडे जी पे। लेकिन आजकल क्या है, आप सब देख रहे होंगे, आजकल ओझल हो गए हैं हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, ज्यादातर ओझल हो गए हैं, कहीं किसी थाने में या कहीं इनकी फोटो लगी नहीं होती मंगल पांडे जी की। और अभी तो मैं देख रही थी एक जगह का महात्मा गांधी जी की भी फोटो नहीं थी, पंजाब में उनकी फोटो भी नहीं थी। और धीरे धीरे ये ऐसे ही करेंगे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको हम सवाल करेंगे। डर लगता है, मन घबराता है कि कहीं उनका नाम लेकर के जो युवाओं में जोश आता है, शहीद आजम भगत सिंह, उनका एक नाम ही एक इतनी बड़ी मतलब ताकत है कि युवाओं में जोश आता है उनके नाम से, कहीं उनकी फोटो को भी ये हमसे ओझल ना करा दे। ये इस चीज को आप उठाते जरूर रहना, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी उनको याद करते रहना, और लोगों को याद भी आप लोग दिलाते रहना। सिस्टर आई एम राजस्थान झांसी की रानी ऑफ, थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच। और मैं राजस्थान आ रही हूँ, ये सवाई माधोपुर जिला है, वहां पर एक दंगल होगा बहुत बड़ा। मैं 10 तारीख को आ रही हूँ राजस्थान में, ये 10 अप्रैल को राजस्थान में एक मेला लगा हुआ है, वहां पे दंगल होता है, पिरोदा गांव करके है, जिला सवाई माधोपुर में पड़ता है राजस्थान में। 10 अप्रैल को मैं आ रही हूँ वहां पे 11 बजे, और हमारे एक भाई हैं आशीष मीना करके, वो इस दंगल को करा रहे हैं, और मौजूदा वो वहां के सरपंच भी हैं, उनकी पूरी टीम जो है वो इस प्रोग्राम को करा रही है। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर जरूर पहुंचिएगा। हेलो प्रीति, कैसी हो? प्रीति पटेल, मैं अच्छी हूँ, आप भी उत्तर प्रदेश से, मुझे अच्छा लगा जानकर के कि आप भी उत्तर प्रदेश से हैं। बाकी सारी देश की बेटियां जब भी मुझे कमेंट करती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पेज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रीति। और ये राजस्थान में बहुत सालों से दंगल होता आ रहा है, एक ऐतिहासिक चीज है, आप सभी लोग देखने जरूर आइएगा। मैं भी देखने ही आ रही हूँ और अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने आ रही हूँ। बहुत सारे राजस्थान से कमेंट भी मुझे आते हैं कि आप आइए राजस्थान आइए, तो मुझे मौका मिला है, मैं बिल्कुल ये मौका नहीं गंवाने वाली हूँ। और आप सभी जरूर पहुंचिएगा। और एक दंगल है ये, जो हमारी धरोहर है, खिलाड़ी है, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, और उसमें इनाम भी रखा गया है उस दंगल में। तो इनाम बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ है कि आप भागीदारी जरूर करें और जरूर वहां पे आएं और उसकी शोभा जो है बढ़ाएं। जरूर पधारो राजस्थान में, आपका स्वागत है दीदी। थैंक यू अनूप भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं 10 तारीख को आ रही हूँ, 10 अप्रैल को, आप भी आना मत भूलिएगा, जरूर आप आना वहाँ पे। अब आप लोग राजस्थान के तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस दंगल की बात कर रही हूँ, ये पिरोदा गांव करके है और सवाई माधोपुर में वहाँ पे मेला लगता है, आप सभी को पता ही होगा क्योंकि आपके यहाँ का है। हमारे पास भी जरूर आना, कोविड स्वास्थ्य सहायक, अच्छा जी, मुझे पता ही नहीं होगा कि आपके पास कहाँ है, आप मुझे बताइएगा। नमस्ते भाई जी, नमस्ते, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा वो बात बता रही थी आपको कि जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में लड़ाइयाँ लड़ी, आपने देखा होगा सुभाष चंद्र बोस है, आजकल कहीं कहीं उनकी जो तस्वीर है वो भी हमें नहीं दिखती है, बिल्कुल ओझल हो गई है वो भी हमारी आंखों से, चैप्टर जो थे किताब में वो भी हो गए। और ऐसे ही मंगल पांडे जी की तो बिल्कुल ही, मुझे तो कितने जमाना हो गया मुझे दिखती नहीं, किसी स्कूल में या किसी थाने में भी नहीं दिखती है, पहले तो लगी होती थी। और ऐसे ही सब की तस्वीरें लगी होनी चाहिए ताकि हम उन्हें याद करते रहें, इतिहास को दोहराते रहें, सब लोग इतिहास को याद करते रहें। धरोहर है इतिहास हमारे देश की, इनकी शहादतें हमारे लिए धरोहर हैं। वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करें और भूलिएगा नहीं, 10 अप्रैल को आना सवाई माधोपुर में, जिला सवाई माधोपुर है, और वहाँ पे दंगल की शोभा बढ़ावें आ करके। और मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, आप लोग जरूर आइएगा बहुत ज़्यादा। हाँ जी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, तो आप सभी जरूर आना ना भूलिएगा। और ये हमारे आशीष मीना भाई हैं, वो और उनकी समस्त टीम इस प्रोग्राम को करा रही है,
और आप भी इस प्रोग्राम के हिस्सेदार बने, क्योंकि आपके और हमारे सहयोग से ये प्रोग्राम सफल होगा। और यहाँ पे हमारे एक वो हैं भाई जी, वो उनका तो क्या नाम है, मैं नाम भूल गई हूँ, माफ़ कीजिएगा, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, मैं उनको भी इनवाइट करती क्योंकि वो वहीं से हैं। चलिए कोई बात नहीं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचिएगा, और जिन लोगों को लगता है कि हाँ मतलब हमें वहाँ पहुँचना चाहिए वो भी पहुँचे, और जिनको नहीं लगता उनको भी ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, बहुत कम मिलती हैं ऐसी चीज़ें देखने को। तो मैं तो बिल्कुल आ रही हूँ अपने बड़ों से आशीर्वाद लेने के लिए, अपने छोटों से प्यार लेने के लिए, और युवाओं से साथ सहयोग लेने के लिए, महिलाओं से ढेर सारा प्यार लेने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी वहाँ पहुँचे। और मैं बात कर रही थी ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को, उनके याद करते रहें मैं, उनको नमन करते रहें मैं, क्योंकि उनकी शहादतें हमारे लिए धरोहर हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, हम खूब स्वागत करेंगे। थैंक यू भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते नमस्ते, आप ठीक हैं? हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छी हूँ। कमलेश जी अब की बिल्कुल, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। बिहार में ताई मेरे फोन पे वीडियो चल रही, देखो मेरी ताई है, देखो ये गांव की भाषा है, बुरा मत मानिएगा, मैं माफी चाहती हूँ। और क्या बोलते हैं सभी से, वो उनकी टीन उन्होंने खराब कर दी तो वो कुत्ते को बोल रही है, तो कृपया करके माफी चाहती हूँ। आप वीडियो को खूब ज्यादा शेयर कीजिएगा, गांव के लोगों की भाषा है, और ये तो नहीं बदलेगी, ना ही ये लोग बदलना चाहते, ना ही हम बदलना चाहते। बहुत सारे लोग बॉर्डर पे आ रहे मेरे से कह रहे कि भाई इसकी गांव की भाषा, गांव की भाषा, जैसे मतलब जो लोग मेरा विरोध करते थे कि मतलब मैं ना आऊं बॉर्डर पे, ना किसानों का सपोर्ट करूं, वो लोग ये चाहते थे, लेकिन मैं जरूर जाती थी तो उन्हें कोई बात नहीं मिलती थी, तो वो ये बोले रहे कि या की भाषा अच्छी ना, या की गांव की भाषा, मेरी समझ में ना है ये बिल रद्द करवाने आ रहे हैं कि मेरी भाषा बदलवाने आ रहे हैं। तो वो तो कभी नहीं बदलने वाली है, ऐसी रहूंगी मैं जैसी हूँ। और आप सभी अच्छे हैं? हाँ जी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। राम राम जी, राम राम भाई जी, राम राम, राम राम, नमस्ते नमस्ते। एक भाई है जी, हाँ मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। हाँ जी आप जरूर आइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय सिया राम, जय भाई, मैं तो बोलती हूँ। हाँ जी बिल्कुल, हमारे यहाँ जय श्री राम बोलते हैं, जय श्री राम भी बोल देते हैं हम। ऐसे मुझे जो बहुत ज्यादा प्यारे मेरे एक भाई मुझे कमेंट कर रहे हैं, ये जवाब मेरा उनको है भाई, मैं मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती। एक भाई बोल रहे हैं जय भीम, मैं तो जय भीम भी बोल देती हूँ, क्योंकि जिनको अच्छा लगे, जिनको मेरे शब्द बोलने से खुशी हो, मुझे तो अच्छी लगेगी। दूसरी बात, मुझे जय सिया राम बोलने में कभी तकलीफ नहीं हो सकती, और आप जैसे लोगों से मुझे सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मैं जो है अपने जो कान्हा जी को बहुत प्यार करती हूँ, और मैं उन कान्हा जी से बहुत मोहब्बत करती हूँ, उनका ज़्यादा मैं नाम लेती हूँ। बाकी जय जवान जय किसान इसमें बड़ा सम्मान और स्वाभिमान है, ऐसी बात नहीं है। बाकी आप जैसे लोगों से मुझे इस भाई का कमेंट आ रहा है, एक मिनट ऊपर चला गया आपका कमेंट भाई जी, मैं पढ़ के ज़रूर जवाब देती हूँ। कहाँ गया, कहाँ गया भाई? दीदी मेले में जरूर पधारेंगे पूरे परिवार के साथ। बिल्कुल अनुप भाई, मेरा आपका ना नाम भी याद रहेगा, आप मुझे मिलिएगा जरूर, और मैं आपसे मिलूंगी भी। भाई मुझे ऐसे लोगों से सर्टिफिकेट लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, और मुझे क्या बोलने में तकलीफ है नहीं है, इस बात का भी मुझे आपसे सर्टिफिकेट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कृपया करके आप अपने ज्ञान को अपने पास रखें, उन मुद्दों पर बात करें जो समस्याएं देश में इतनी ज़्यादा हो रही हैं, महंगाई हो रही है इतनी, सिस्टम खराब हो रहा है, गरीब इतने परेशान है, ठीक है, और आप मुझे नहीं बताएंगे कि मैं जय श्री कृष्णा बोलूँ कि जय श्री राम बोलूँ। मेरा जो दिल करेगा मैं वो बोलूँगी, मैं जय श्री राम भी बोलूँगी, मैं राधे कृष्णा भी बोलूँगी, मैं अपने ठाकुर जी को बहुत प्यार करती हूँ। आप नहीं बताएंगे मुझे कि मुझे क्या बोलना है। दूसरी बात, अच्छे दिनों की फिक्र करें, अच्छे दिनों पर बात करें, क्योंकि आजकल है ना अच्छे दिन एकदम ऐसे हो गए, लू सी लग गई है, उन्हें दिख ही नहीं रहे हैं। मुझे लगता है इंसान से ज़्यादा लू जो है अच्छे दिनों को लग गए हैं। तो कृपया करके ध्यान देने का आप काम ना करें, और आप सभी अच्छे हैं। हाँ जी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप ध्यान रखिएगा अपना। गुड नाइट, गुड नाइट, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। एक भाई का कमेंट आ रहा है, जय श्री राम। भाई जी आप ये मत सोचना कि मुझे कुछ भी बोलने में दिक्कत होती है, मैं तो सबको नमस्कार बोलती हूँ। जितने लोगों को खुशी होती है किसी भी अच्छे शब्द से, तो मुझे तो अच्छा लगता है। राम राम जी, राम राम, इनको इतना ही नहीं पता मैं जब बोलती हूँ राम राम, नमस्कार, जय जवान, जय किसान, उसमें शुरू में ही राम शब्द आता है। ये अपने अहंकार में अंधे इतने हो गए कि इनको राम का नाम तक भी नहीं दिखता है। चलिए कोई बात नहीं, हो जाएंगे ठीक।
थोड़ा दिमाग बेचारा ज्यादा लू लग गई ना 6 दिनों को, तो ऐसे इनके दिमाग को लग गई है ऐसे लोगों को, कोई बात नहीं। और क्या बोलते हैं, इनको कुछ नहीं पता, इनको इस टाइम समय कुछ नहीं सूझ रहा है। बाकी आप लोग जरूर आइएगा, ध्यान रखिएगा अपना और अपने स्वतंत्रता सेनानियों को जरूर याद करते रहिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है उनको याद करना। उन्होंने हमारे देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, अपनी जान दी है। तो ऐसे ही आज हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे पहले क्रांतिकारी मंगल पांडे जी, आज उनकी पुण्यतिथि है। मैं फिर से एक बार उनको नमन करती हूँ सर झुका करके पूरे देशवासियों की तरफ से। आप अपना ध्यान रखिएगा, गुड नाइट, नमस्कार, जय जवान जय किसान।